आज के वीडियो में ब्रेड से बहुत ही स्वादिष्ट इंस्टेंट मिठाई मैंने रेडी किया है। आज फादर्स डे है तो हम लोगों ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया है और इस मिठाई का रिव्यू करेंगे परी एंड पीहू। तो सबसे पहले पीहू को टेस्ट कराएंगे और इसके बाद हम टेस्ट कराएंगे परू को। तो कैसी लगी मिठाई? और परू पीहू की मम्मी को भी टेस्ट कराते हैं। तो कैसी लगी मिठाई? अच्छी है। और ये मिठाई इंजीनियर्स कुकिंग ने खुद क्रिएट की है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको जो ब्रेड की मिठाई थी वो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में काट के रेडी कर लेंगे। एक ब्रेड के हमें 16 पार्ट करने हैं और इस मिठाई को बनाने के लिए लगभग 5 से 6 ब्रेड यूज करूंगा मैं। एक कढ़ाई में देसी घी को गर्म कर लिया है। इसके बाद हम ब्रेड को फ्राई करने वाले हैं। धीरे धीरे ब्रेड को क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। तो हमारा जो ब्रेड है वो क्रंची हो गया है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। ब्रेड को प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख लेंगे और एक कढ़ाई में 1/2 लीटर अमूल का फुल क्रीम मिल्क को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसके साथ ही थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को पीस के उसका पाउडर रेडी कर लेंगे। इलायची पाउडर आप ऐड कर सकते हैं या इलायची को तोड़ के ऐड कर सकते हैं। काजू बादाम को पीस के इसका हम पाउडर रेडी कर लेंगे। हमारे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब अपना काजू बादाम का पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी के साथ मिल्क को 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नारियल पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक मिठाई का वीडियो बनाया था नारियल की बर्फी का, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। कुछ बची हुई मिठाई पड़ी थी मेरे पास तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। नारियल पाउडर ऐड करने से हमारी जो स्वीट है उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। तो हमारा जो मिल्क है वो रेडी हो गया है। अब अपने हमने जो ब्रेड क्रंच रेडी किए थे वो ऐड करेंगे और ब्रेड की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके रेडी हो गई है। आशा करते हैं आपको ब्रेड से जो मैंने स्पेशल मिठाई रेडी की है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि नहीं पसंद आया तो फिर भी कमेंट्स करके एक बार बता दीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। और यदि आप पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर बना के देखिएगा। इंजीनियर्स कुकिंग पे इस तरीके के बहुत सारे वीडियो जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, आगे भी इस तरीके के वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू।